जय हिंद। आप सभी का सिद्धार्थ सर यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज का बड़ी खबर मैं लेकर आया हूँ, यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा 2024 के लिए कट ऑफ कितना जाएगा, कितना सेफ स्कोर रहेगा, भर्ती बोर्ड के जो नए नियम के चलते किसको फ़ायदा होगा किसको नहीं होगा। तो चलिए पूरी खबर मैं आपको विस्तार से बताने वाला हूँ, डिटेल से। पहली बार आप YouTube चैनल पर जुड़े हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यूपी पुलिस की हर छोटी बड़ी खबर आपको यहाँ मिलने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं, पहले कट ऑफ की बात करते हैं। कट ऑफ की मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, अगर आप जनरल से हैं और आपका स्कोर बन रहा है 195 से लेके 105 के बीच, मतलब कि ये कह सकते हैं आपके राइट जो प्रश्न 100 से 103 या 4 के बीच में अगर आपके बन रहे हैं तो आपका कहीं ना कहीं सिलेक्शन होने की संभावना है। ऐसे ही अगर ओबीसी कैटेगरी से हैं 190 से 200 के बीच में, और एससी हैं तो 180 से 90 के बीच में, और अगर एसटी हैं तो 170 के आसपास हो जाएगा। अब इसमें देखिए, आपके मान लीजिए कई लोगों के 100 से कम बन रहे हैं, पर आपके जैसे नॉर्मलाइजेशन स्कोर, अब देखो ये तो बोर्ड के ऊपर आधारित रहेगा कितना देने वाला है। जैसे पहले कई एग्जामों में बहुत सारा दिया गया, अगर देखा जाए लेखपाल में बहुत कम दिया गया, तो उसको देखते हुए अब इसमें जैसे मैं आप लोगों को बता दूं नॉर्मलाइजेशन कैसे बनता है। तो सुनिए मेरी बात, नॉर्मलाइजेशन जैसे बनता है वो हर शिफ्ट के हिसाब से बनता है। मान लीजिए उनका टारगेट है 60,000 वैकेंसी है, 60 के वैकेंसी है, तो इनको क्या लेना, 5 दिन में इन्होंने पेपर दरवाए हैं, 5 दिन में पेपर लगवाए हैं, तो लगभग 12,000 ये 5 दिनों से लिए जाएंगे। हर शिफ्ट से बराबर स्टूडेंट लिए जाते हैं। अब उसमें से फर्स्ट शिफ्ट में 6,000, दूसरी शिफ्ट में 6,000 लड़के लिए जाएंगे। अब किस शिफ्ट में, जैसे मान लीजिए उन्होंने एक ऑल ओवर स्कोर देखा, मान लीजिए हमें देना है 205 स्कोर देना, तो देखते हैं कि 24 तारीख या 23 तारीख की शिफ्ट में 6,000 स्टूडेंट 200 के ऊपर आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे हैं तो उस शिफ्ट को मान लिया जाता है कि ये है कठिन, तो वहाँ जाके स्कोर बढ़ा दिया जाता है। तो समझ में आ गई होगी, इस तरीके से नॉर्मलाइजेशन देते हैं। फिर वो स्कोर की बराबरी कितने नंबर पर हो जाएगी, ये उस आधार पर स्कोर बढ़ाते हैं। ठीक है, क्लियर हो गई कि नॉर्मलाइजेशन इस आधार पर बढ़ाते हैं। मैंने कोशिश की है आप लोगों को पूरी एक एक बारीक से समझाने की। वीडियो अच्छा लगा है तो जल्दी से लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।